गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपके भाई के फर्स्ट चैनल पे 63K सब्सक्राइबर, यानी कि भाई मैंने 63,000 की फैमिली कंप्लीट कर ली है। अगर आपको मेरे उस चैनल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप YouTube में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो द समीर व्लॉग्स, सबसे पहले मेरा चैनल आपको वहां पे दिख जाएगा। ये आपके भाई का सेकेंड चैनल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं उस चैनल को ग्रो कैसे किया, उसमें कैसे काम करूँ, क्या क्या चीज़ें की है, वो सारे एक्सपीरियंस लाकर मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, ताकि अगर आप भी अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप भी अपना चैनल जल्दी से ग्रो कर पाओगे, और आप ये समझ पाओगे कि यूट्यूब चैनल कैसे जल्दी ग्रो किया जाता है, और YouTube चैनल में क्या क्या करना पड़ता है, YouTube चैनल में कैसे काम करते हैं, YouTube चैनल में क्या क्या गैजेट लगते हैं, बिना गैजेट के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का यही है, 0 to 60K सफ़र। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि आज का जो वीडियो है उसको पूरा देखना। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका चैनल 100% ग्रो होगा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो। आपको ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छा वाला मोटिवेशन देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का वीडियो देखकर अपना यूट्यूब चैनल लीव नहीं करोगे। देखिए, मैटर ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा अपनी लाइफ में, ठीक है, जिनके 1K 2K सब्सक्राइबर थे, उनसे मेरे कम थे। जी हाँ, उनसे मेरे कम थे। लेकिन वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बहुत जल्दी हार मार गई, गिव अप कर दिया उन्होंने बहुत जल्दी। मैंने गिव अप नहीं किया। आज आपके भाई के, आप लोग के पेरेंट सपोर्ट से 63K हो गए, जो कि बहुत जल्द आप लोग के पेरेंट सपोर्ट से यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन दिखेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं भाई कि अगर आप YouTube में आ रहे हो, YouTube में आपको काम करना है, तो YouTube में आपको सब्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये लगता ना भाई कि मैं टेक्निकल गुरुजी को देखकर आता हूं YouTube में, 2-4 वीडियो बनाता हूं और मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो भाई। YouTube चैनल ग्रो करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, YouTube चैनल ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है क्या है, रियलिटी बताऊं क्या है, सब्र रखना। आज अगर आप वीडियो डाल रहे हो ना, तो मुझसे लिख कर ले लो, 6 महीने बाद आपका वो वाला वीडियो चलेगा जो आपने आज डाला। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मैंने यूट्यूबरों को देखा है, वो क्या करते हैं, उन्होंने आज वीडियो डाला और वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई, तूने कितने वीडियो डाले यूट्यूब में, मुझे पहले ये बता, और अब तूने कौन से वीडियो डाले पहले ये बता, और तूने कितने वीडियो डाले, और यूट्यूब में तुझे आए कितना दिन हुआ है भाई। तुझे लगता कि मैं 6 महीना काम करूंगा मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। मैंने 0 to 60K कैसे किए आप लोगों को पता है, मैं जब वो चैनल बनाया था तब वो एक टेक्निकल चैनल था, जी हाँ, उसमें जब 1000 सब्सक्राइबर थे तो उसका नाम था टेक्निकल समीर जी, मैंने ये नाम रखा हुआ था क्योंकि हम भी टेक्निकल गुरुजी बनना चाहते थे। इतना मेहनत की, 6 महीना चैनल ग्रो हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर कर सोचे कि चलो मोटो ब्लॉगिंग करके देखते हैं। उसके बाद मैंने एक्शन कैम लिया, एक्शन कैम लेने के बाद मैंने मेहनत की, चैनल ग्रो नहीं हुआ। अब मैं सोचा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, पता है ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं उसको देखकर मैं यूट्यूब में आऊंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी कॉपी बताए आपको, कैसी कॉपी, कंटेंट देखकर समझना कि कौन से कंटेंट यूट्यूब पे चल रहे हैं। आई मीन टू से, देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑटोमोबाइल में घुस गया, ऑटोमोबाइल से यानी कि मैंने बाइक्स की वीडियो बनाना शुरू कर दिए, बट मैंने किसी को देखकर नहीं, आप समझो इस चीज को, मैंने ये सोचकर वीडियो बनाई कि मैं उससे बेहतर वीडियो बना सकता हूं, मैं बाइक्स के बारे में उससे ज्यादा जानता हूं। जी हाँ, मैंने उसका कॉपी किया, ठीक है, उसने वीडियो डाली, मैंने उसका कॉपी किया कि मैं भी बाइक्स की वीडियो बनाता हूं। पर आप ये लॉजिक समझो कि आपका उस चीज पे इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको वीडियो बनाने में मजा आएगा और आपको काम करने में मजा आएगा और आप सब्र रख पाओगे। अगर आप किसी को देखकर ही YouTube में आओगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता।
और अगर आप YouTube में किसी को देखकर आ भी रहे हो ना, तो आपको ऐसी चीज पे वीडियो बनानी पड़ेगी जिस चीज पे आपका इंटरेस्ट हो, तभी आप YouTube पे आगे बढ़ पाओगे। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लो। और YouTube चैनल में ग्रो करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाली और कल हमारी वीडियो चल जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने भी 2 से 3 साल मेहनत किए, तब जाकर मैंने आज आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट से पहले चैनल में 63K की फैमिली कंप्लीट की है। उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद YouTube इतना देगा ना भाई कि संभाल नहीं पाओगे कि कहाँ रखूँ। जी हाँ, पता है आप लोगों को मैंने कैसे स्ट्रगल किया? मेरे पास ना तो रूम था, ठीक है, और उस टाइम मैं जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, फिर भी मैं कैसे भी करके कहीं बाहर बैठ के, कहीं ऊपर बैठ के, कहीं गार्डन में बैठ के वीडियो क्रिएट करता था, वॉइस रिकॉर्डिंग करता था, उसके बाद मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड करता था। तो भाई स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे 0 to 60K में कैसे पहुँचा उसके बारे में पूछोगे ना, तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ना ऐसा लगता है जैसे जो तो मतलब खीले का रोड हो, उसमें चलकर हम आगे निकले। पता है आपको, अगर आप एक ऑडियंस हो और अगर आप एक यूट्यूबर भी हो, ठीक है, आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आप समझते हो कि एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, उसके पीछे कितना लॉजिक लगता है। और अगर आप एक सिर्फ ऑडियंस हो मेरे, तो मेरे भाई काम करो, एक वीडियो क्रिएट करके देखो, आपको समझ में आएगी कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। और आज की डेट में मैं 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, 1 वीडियो इस चैनल पे, 2 वीडियो 10 समीर व्लॉग्स पे, तो आप समझ सकते हो कि मैं मेहनत कितनी करता हूँ। तो भाई ऐसा है कि पहले आपको सब्र रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद YouTube चैनल ग्रो होगा। बहुत सारे लोगों का मैंने क्या आपको नौटंकी सुना पता है आपको? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास ना तो माइक है, ना तो DSLR है, ना तो ट्राइपॉड है। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जो खाना होता है ना, खाना चावल या रोटी, उसको भी अगर आप नहीं खाना चाहोगे ना, तो आप ये बोलोगे कि भाई ये तो कच्चा है। लेकिन अगर आपको भूख लगी होगी और अगर आप खाना चाहोगे, तो आप उसको पका के खाओगे ना। तो भाई YouTube चैनल भी ऐसा ही है, अभी वो कच्चा है, उसको पकाना पड़ेगा आपको। तो जरूरी नहीं कि आप पकाने के लिए सीधे DSLR में घुस जाओ, नो, आप अपने फोन से भी उस चीज को पका सकते हो। बस रियलिटी है कि आपको आपके काम करने की चाह होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं अपने फ़ोन से कर सकता हूँ, तो आप YouTube चैनल ग्रो कर जाओगे। तो पहले तो एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर रियलिटी में करना चाहते हो ना, तो फ़ोन काफ़ी होता है कि स्मार्टफोन, आप भी जानते हो आजकल के स्मार्टफोन के कैमरे आपको पता है कैसे होते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हो आप, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अगर अपने 0 to 60K के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो आप लोगों को ना 10K तक अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद आपका चैनल ग्रो होने लगता है, और जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, यानी कि जितने ज़्यादा फैमिली बढ़ते जाती है ना, चैनल उतना जल्दी ग्रो करने लगता है। बस आपको वीडियो रोज़ लानी है और कुछ अलग लाना है। कुछ अलग लाओगे ना, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा। मैंने 0 to 60K की फैमिली तक भाई बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो मैंने आप लोगों को उसमें से कुछ चीज़ें आज शेयर की। अगर आप मेरी बात मानते हो ना मेरे भाई, आपका चैनल ग्रो होगा, आप भी एक यूट्यूबर बन जाओगे। और आपको मैंने बोला था यूट्यूब इतना देगा ना कि साला रख नहीं पाओगे, कहाँ रखूँ, इतना देगा यूट्यूब, बस मेहनत करो। जी हाँ, मेहनत करो। जॉब में जाओगे ना, तो जॉब में सेठ की 10 गाली पड़ेगी, हाँ, और यूट्यूब आपका बिजनेस है, आपको कोई गाली नहीं बक सकता। आपकी मर्जी है तो आप डाल रहे हो, आपकी मर्जी नहीं तो आप नहीं डाल रहे हो। और यूट्यूब आपसे कुछ नहीं मांगता, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, यूट्यूब आपको देगा, आपसे वो कुछ नहीं मांगता। अगर टैलेंट है तो काम करो और यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर मेरी 63 की फैमिली, अगर मैं बताऊं उस बारे में कैसे मैंने ऐसा किया, तो ऐसा कि भाई मेरे को बाइक में पैसन था। जी हाँ, बाइक्स, मुझे बहुत शौक है बाइक्स का नॉलेज लेना, बाइक्स के बारे में जानना। तो इस वजह से मैंने पैसन वाली चीज़ चूज़ की, जो कि आपको भी करना चाहिए। अगर आपको जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है ना, अगर आप वो कंटेंट चूज़ करोगे, तो आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। इसलिए, क्योंकि आप अगर पहले से कोई बंदा जो वीडियो डाल रहा है उस चीज़ पर, और उसको उस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, जी हाँ, अगर उसको उस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप मन लगा के काम करोगे, तो आप उससे बेहतर वीडियो बनाओगे और आपका चैनल ग्रो करेगा। ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है। हमें जिस चीज़ पे इंटरेस्ट होता है, हम उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो सिंपल सा लॉजिक यही है। 0 to 63 के मैंने ऐसे किए कि बाइक्स पे मेरा पैसन था, उस पे मुझे
अच्छा लगता था वीडियो बनाना यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ी, रोज वीडियो डाला और आज आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट से आपका भाई 63 की फैमिली कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ पे सिल्वर प्लेट बटन जरूर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जिससे आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैंने कोशिश की आपको मोटिवेट करने की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप तक मेरे और नोटिफिकेशन की वीडियो भी ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।